जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और चीज वायरल हो रही है कि सुहानी शाह है जो अपने शोज करती हैं और उसके अंदर वो सामने वाले की मन की स्थिति को पढ़ लेती हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत स्पष्ट तौर पर बता देती है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो केवल मन को पढ़ना जानती हूं और किसी भी तरह के चमत्कार का वो दावा नहीं करती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। साइंटिफिकली वो इस चीज को लोगों के सामने रखती है, बताती है कि मैं ये क्यों कर पाती हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, और कहीं पर भी इसमें अंधविश्वासी वाली बात है ही नहीं। लेकिन यदि ऐसी ही कोई चीज कोई ऐसा व्यक्ति जानता है जो इसे धर्म की आड़ में लेकर के लोगों को अपना शिष्य अनुयायी बनाना शुरू कर दे, तो यह कहीं ना कहीं अंधविश्वास को भी जन्म जरूर देता है। लेकिन हमें एक चीज को बहुत ध्यान से समझना ही पड़ेगा कि 2023 में शनि के परिवर्तन के साथ ही हमारी विचारधारा में भी परिवर्तन जरूर होगा। ये बात मैं आपको बहुत पहले ही कह चुका हूं, इसलिए हमारे अंधविश्वास को तोड़ने का काम भी शनि अगले 2 साल में जरूर करेंगे। और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये उसी क्रम में शनि के द्वारा घटित हो रही है। एक ही समय पर इतनी सारी बातों का सामने आना, फिर उसके संदर्भ में कुछ दूसरे प्रमाणों का आना, ये सब शनि के परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। इसीलिए चमत्कारों के पीछे ना भाग करके उनकी सच्चाई को समझना, उनके पीछे के तर्क को समझना, उसका कारण समझना, वो कैसे हुई है उसको समझना, ये ज्यादा जरूरी है। तभी हम विश्वास और अंधविश्वास, विज्ञान और अज्ञानता, इनके बीच में भेद कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों में बहुत कहा गया है कि मन बहुत ही ताकतवर है, उसके अंदर बड़ी शक्तियां हैं। मन के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आंख पर पट्टी बांध करके वो सामने किताब को पढ़ लेते हैं। आप सामने किस रंग के कपड़े पहन के खड़े हैं वो ये भी बता देंगे। ताश के पत्ते को हाथ में लेकर ये बता देंगे कि ये कौन सा पत्ता है। आखिर उनके पास वो शक्तियां कहां से आई? उसका सीधा सा जवाब है कि आप अपने स्पर्श इंद्रियों को भी और मन के द्वारा चीजों को पहचानने की शक्ति को जागृत करना, यदि आप इन चीजों का भी अभ्यास करते हैं तो आपको ऐसी अनुभूतियां अवश्य हो सकती हैं। इसलिए दर्शकों, ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है ये संसार के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपको ध्यान हो तो एक वीडियो में कहा भी था कि 2 तरह की प्रगति होती है। एक होती है आंतरिक जगत, एक होता है बाहरी जगत। बाहरी जगत की विकास यात्रा की एक लिमिटेशन होती है और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन आंतरिक जगत की विचारधारा जो होती है या आंतरिक जगत की जो हमारी यात्रा होती है उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और जब दुनिया उस तरफ टर्न होगी तो दुनिया उस सुनहरे दौर में पहुंचेगी जिस सुनहरे दौर की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है, क्योंकि इंसान का सर्वांगीण विकास ही श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना को जन्म देता है। इसीलिए जब इंसान स्वयं के मन, उसकी आत्मा और उसमें निहित शक्तियों का अध्ययन करेगा, तभी वो समाज के सामने नए उदाहरण भी रख पाएगा कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, और इंसान कितना शक्तिशाली है और अपनी शक्तियों को भूल करके वो कहां किन चीजों में फंसा पड़ा है। इसीलिए जितनी भी कयावत हो रही है जो आप देख रहे हैं इन दिनों चैनल्स पर, आप जो बाढ़ आई हुई है देख रहे हैं, ये सब शनि के कारण से है। और शनि कभी भी अज्ञानता को पनपने नहीं देता है।
इसीलिए यदि 4000 साल के बाद में शनि का यह परिवर्तन आरंभ हुआ है तो हमारी अज्ञानता के हर चश्मे को वो हमारी आंखों से हटाएगा जरूर और हमें जो सही है वो जरूर दिखाएगा। क्योंकि अगर युग परिवर्तन होना है तो हमारी विचारधारा के अंदर परिवर्तन तो जरूर होगा, और विचारधारा का परिवर्तन किसी एक बिंदु पर आकर टिके उसके लिए हमारी कई मान्यताओं को वो खंडित भी जरूर करवाएगा, और उसमें से एक विचारधारा हमारी जो अंधविश्वास और विश्वास को लेकर है, विज्ञान और अंधविश्वास को लेकर के है, आध्यात्म और पाखंड को लेकर के है, उनके बीच में भी भेद करना हमें शनि जरूर सिखाएगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका भरपूर आनंद लीजिए और अपनी समझ को डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारी समझ अगर बढ़ेगी तभी हम सच्चाई को समझ पाएंगे, तभी आप सही और गलत में भेद कर पाएंगे, और तभी आप सत्य के साथ भी खड़े हो पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे ऐसे दुष्प्रचार भी होंगे जिसकी वजह से सत्य को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें सत्य और असत्य के बीच में भेद करना आना चाहिए, वरना हम कहीं ऐसा ना हो हमारी अज्ञानता के कारण से हम सत्य का विरोध कर बैठे और ये क्षति फिर बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। इसीलिए अपने हिंदू धर्म, अपने हिंदुत्व और हमारी हिंदू आइडियोलॉजी और हमारे सनातन पुरातन विचारधारा, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र और उसमें निहित शक्तियों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इन चीजों को काउंटर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।